हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेट के जंगल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों के पास तीन चॉइसेस हैं इंटरनेट लगवाने के लिए, ब्रॉडबैंड, फाइबर और एयर फाइबर। तो इन तीनों में कौन सा तरीका हम लोगों को अपनाना चाहिए घर में, तो मैं इन तीनों में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं बात करूँगी इसमें मीडियम, स्पीड, रिलायबिलिटी, यूज़ केसेस, इन सब के बारे में बात करूँगी कि इन तीनों में इस चीज़ से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए। तो एक बहुत ही पुराना तरीका था, शायद आप लोगों ने बचपन में यूज़ किया हो वो तरीका, तो वो बहुत ही पुराना था और बहुत स्लो था। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें। तो पहले इन तीनों के बारे में बात करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं ब्रॉडबैंड के बारे में। तो ब्रॉडबैंड एक रिलायबल दोस्त की तरह है, जो कि बहुत सारे मीडियम यूज़ करके हमें हाई स्पीड इंटरनेट देता है, जैसे कि ऑप्टिक फाइबर, कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर या फिर रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं इसमें। और इसकी स्पीड की अगर बात करें तो जो स्पीड है वो वैरी करती इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसकी स्पीड थोड़ी वैरी करती है। और ब्रॉडबैंड ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपको ब्रॉडबैंड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हो गया ब्रॉडबैंड की बात। और एक चीज़ और है कि ब्रॉडबैंड जो है वो इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आप एक ब्रॉडबैंड लगवा कर घर में कई सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं फाइबर ब्रॉडबैंड की। तो फाइबर ब्रॉडबैंड को आप बोल सकते हो ब्रॉडबैंड का सुपर हीरो, क्योंकि ये अल्ट्रा स्पीड में चलता है, मतलब इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। इसकी जो स्पीड है वो लाइटनिंग स्पीड पर चलती है। और थैंक्स बोलना चाहिए इसके फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसके थ्रू जो डेटा है वो इतनी स्पीड में ट्रेवल करता है कि वो सुपर हीरो कहला जाता है ब्रॉडबैंड का। और इसकी जो स्पीड है वो वेरी नहीं करती है, क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसके थ्रू आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ऑनलाइन गेमिंग खेल सकते हो, और बिजनेसेस के लिए ये बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही यूज़फुल है। अब बात आती है एयर फाइबर की। तो जो एयर फाइबर है वो अलग ही लेवल की चीज़ है, और इसका जो डेटा ट्रेवल मोड है वो एयरवेज है। ये जो एयर फाइबर है, फाइबर ब्रॉडबैंड की तरह इसकी स्पीड होती है, बट ये पूरी तरह वायरलेस है। इसमें वायर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, और रिमोट एरियाज़ के लिए ये बेस्ट है, और इसमें वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अब बात करते हैं मीडियम की। जो ब्रॉडबैंड है उसमें बहुत सारे मीडियम यूज़ होते हैं, वहीं फाइबर ब्रॉडबैंड है उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है, जो काफ़ी स्ट्रांग होती है, और वेदर से उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें जो केबल होती है वो बहुत ही पतली, एक हमारे हेयर के जितनी पतली बहुत सारी केबल्स होती हैं, तो उसके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है। और जितनी ज़्यादा वायर्स होंगी उतना ही अच्छा डेटा ट्रेवल करेगा। जैसे कि कभी आपने हाईवे देखा होगा, उसमें जितनी ज़्यादा रोड होती हैं उतनी ही ज़्यादा कारें जा सकती हैं, और उतना ही ट्रैफिक जैम कम होता है, वैसा ही फाइबर में होता है। उसमें भी बहुत सारे वायर्स होते हैं, तो डेटा ट्रेवल करने के लिए बहुत सारा स्पेस होता है, तो वो आराम से डेटा ट्रेवल करता है। सो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर एयर फाइबर की बात करें तो जो एयर फाइबर में डेटा है वो एयरवेज के थ्रू ट्रेवल करता है। इसमें एक एंटीना होता है जो कि सारे जो अदर एंटीनाज जो घर में लगे होते हैं उनको सिग्नल देता है, और उसके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है। तो ये हो गई हमारी मीडियम की बात। अब बात करते हैं स्पीड की। तो जो ब्रॉडबैंड की स्पीड है वो मीडियम टू हाई होती है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी, ये मीडियम और हाई स्पीड होती है। और अगर वहीं फाइबर की बात करें तो ये तो सुपर स्पीड है इसकी, और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड में डेटा ट्रेवल करता है, आप फटाक से यहाँ से डेटा उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। वहीं अगर एयर फाइबर की बात करें तो ये इसमें लाइटनिंग स्पीड है प्लस वायरलेस इसकी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि एयर फाइबर जो है वो फाइबर ब्रॉडबैंड की तरह ही होता है, और स्पीड भी लगभग वैसी ही होती है। बस इसमें ये पॉजिटिव चीज़ है कि ये वायरलेस है। बात करते हैं रिलायबिलिटी की। तो जो रिलायबिलिटी है डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अगर ब्रॉडबैंड की बात करें, लेकिन अगर फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करें तो ये बहुत ही रिलायबल होता है, क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं और वो बहुत ही रिलायबल है, डेटा भी काफ़ी अच्छे से ट्रेवल करता है। तो फाइबर ब्रॉडबैंड हाईली रिलायबल है। वहीं अगर एयर फाइबर की बात करें तो स्टेबल भी होता है ये, और रिलायबल भी होता है, और ये रिमोट एरियाज में भी बेस्ट है। अगर यूज़ केसेस की बात करें तो जो ब्रॉडबैंड है वो पर्सनल यूज़ और स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ होता है, वहीं अगर फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करें तो ये जो है पावर यूज़र्स के लिए यूज़ होता है, गेमर्स यूज़ करते हैं,
बिग बिजनेसेस में यूज होता है क्योंकि इसकी स्पीड काफी अच्छी है, रिलायबल है और ये लो लेटेंसी पर काम करता है। वहीं अगर एयर फाइबर की बात करें तो ये रिमोट एरियाज के लिए बेस्ट है और फास्ट वायरलेस कनेक्टिविटी है। तो जो ब्रॉडबैंड है वो तो पुराना तरीका हो गया क्योंकि इसकी स्पीड काफी स्लो है। आजकल लोग फाइबर यूज कर रहे हैं, फाइबर ब्रॉडबैंड, और जिन एरियाज में फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं पहुंची हैं वहां पर आप ब्रॉडबैंड यूज कर सकते हो, और जिस जगह पर ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं है वहां पर आप एयर फाइबर यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट है ब्रॉडबैंड फाइबर और एयर फाइबर में। तो पहला तो ब्रॉडबैंड की स्पीड बहुत ही स्लो होती है, तो अगर आपके पास वो दोनों अवेलेबल नहीं है तो आपको ब्रॉडबैंड लेना चाहिए। अगर फाइबर ब्रॉडबैंड अवेलेबल है तो फाइबर ब्रॉडबैंड ही बेस्ट है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप एयर फाइबर लेने की सोच रहे हो कि मैं एयर फाइबर ले लूँ, वो वायरलेस है और उसमें वायर की कोई झंझट नहीं है, कुछ तोड़ फोड़ की झंझट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा ही है कि तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो एयर फाइबर है वो वेदर से कुछ इफेक्टिव इफेक्ट उसमें आ सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा धुंध होता है ठंडियों के टाइम, या बारिश हो रही है, हवा चल रही है बहुत तेज़, तो उसमें इंटरनेट में इफ़ेक्ट आ सकता है, स्पीड में इफ़ेक्ट आ सकता है, कभी कभी नहीं भी चल सकता है। क्योंकि कई बार जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग टीवी के केबल के लिए छतरी लगाते हैं और हवा चलती है या बारिश होती है उसमें ढंग से टीवी नहीं चलता है, वैसा ही कुछ एयर फाइबर में होता है। तो अगर आपके पास फाइबर ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको फाइबर ब्रॉडबैंड ही लेना चाहिए। अगर फाइबर ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रॉडबैंड ले लो, बट अगर आपके पास वो दोनों ब्रॉडबैंड और फाइबर ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं है तभी आप एयर फाइबर की तरफ जाओ, क्योंकि ये मेनली रिमोट एरियाज के लिए अवेलेबल है। तो आप अगर लेना चाहते हो एयर फाइबर तो आपको अभी इंडिया में तीन टाइप के एयर फाइबर अवेलेबल हैं, BSNL, Jio और Airtel। तो जो BSNL है वो ही इंडिया के रिमोट एरियाज में अवेलेबल है, Airtel मुंबई और दिल्ली में अवेलेबल है, और जो Jio है वो 19 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत ही पुराना तरीका पूछा था कि कौन सा था जो कि आपने बचपन में यूज किया होगा, वो था डायल अप कनेक्शन। उसमें क्या होता था, बहुत ही स्लो स्पीड में चलता था और उसमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको एक नंबर पर डायल करना पड़ता था। जब आप उस पर डायल करते थे तब आप इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर के सर्वर से आप जुड़ पाते थे और तभी आप नेट यूज कर पाते थे। वो बहुत ही स्लो तरीका था, कछुए की स्पीड से वो चलता था, उसमें एक पेज डाउनलोड करने के लिए कम से कम 5-6 मिनट तो लग ही जाते थे, तो बहुत ही स्लो था। अगर आपको पता था डायल अप कनेक्शन के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैं उम्मीद है और आप देख रहे हैं नो मैच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।